हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हैं क्वर्की क्लैन। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, बड़े मज़े में हैं, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए 3 यूनिक एंड रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक रेसिपीज लेकर आई हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यही है वो फ्लावर जिससे मैं ये आज सारे ड्रिंक्स बनाने वाली हूँ। तो इसे अपराजिता कहते हैं एंड इंग्लिश में बटरफ्लाई पीक कहते हैं। तो अभी ये मेरा पौधा थोड़ा छोटा है, बट अभी भी ये 5-6 फूल तो हमेशा रोज़ खिलते ही हैं। तो जब ये मुरझा जाते हैं इसके फ्लावर्स, तो मैं इन सबको तोड़ लेती हूँ, इन कलेक्ट करके इनको ड्राई करके रख देती हूँ ताकि मैं इनको फ्यूचर में यूज़ कर सकूँ। सो अपराजिता एक हर्बल प्लांट है, तो इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, लाइक ये स्ट्रेस फ्री करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एंड अगर आपको टी पीना अच्छा लगता है एंड अगर आप बोर हो चुके हैं ब्लैक टी और ग्रीन टी से, तो आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो इसकी रेसिपी ये है कि बहुत ही सिंपल है, आपको बस पानी गर्म करना है एंड आपको ये अपराजिता के फ्लावर्स उसमें डाल देने हैं। तो आप जितने क्वान्टिटी में फ्लावर्स डालेंगे उसका जो कलर होएगा उसी तरह से ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका कलर अभी ब्लू होता जा रहा है एंड कुछ टाइम के बाद नहीं ये पूरा हो जाएगा। एंड अगर आप चाहें तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट जैसे कि आजकल लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं तो शुगर को अवॉइड ही करना चाहिए। तो इस सिरप को बना करके आप काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। एंड कभी भी आपको कोई भी ड्रिंक बनाने का मन हो तो आप झटपट इसे निकाल करके ऑन द स्पॉट इसको यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी सारा टाइम आपका बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना मस्त ब्लू कलर आ चुका है इसमें। तो चलिए हमारे फर्स्ट ड्रिंक पर चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में ये ऑरेंज के वेजेस है, तो इसको हम इसमें डालेंगे, ग्लास में डाल देंगे। तो इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, प्लस एक अच्छा सा लुक भी आ जाता है एंड हमारा जो ड्रिंक है काफ़ी प्रेजेंटेबल लगता है। उसके बाद में मेरे पास ये चेरीज़ है, तो ये ऑप्शनल है, ये बस मैं डेकोरेशन पर्पज़ के लिए डाल रही हूँ। अगर आपके पास में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बगैर भी हम इसे बना सकते हैं। चलिए इसमें हम बर्फ़ ऐड कर देते हैं। उसके बाद में मैं इसमें ये फ्रेश ऑरेंज जूस ऐड करूँगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज जूस लें, क्योंकि वो जो टेट्रा पैक वाला जूस होता है उससे वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। उसके बाद में मैं इसमें ये स्प्राइट ऐड करूँगी। तो अगर आपको स्प्राइट नहीं पसंद है या आपके पास में नहीं हो, तो आप इसमें 7-Up भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें प्लेन सोडा भी डाल सकते हैं। तो हमारा मोहितो बिल्कुल रेडी है, बट मैं इसको एक फाइनल टच दूंगी। तो जो हमने सिरप बनाया था वो मैं इसमें पोर करूंगी। एंड आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये सिरप पोर किया, हमारे मोहितो का लुक कितना चेंज हो गया एंड ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड रिफ्रेशिंग सा ये मोहितो बनाया है। तो आपको भी ये बिल्कुल ट्राई करना है एंड बिलीव कीजिएगा, ये बहुत ही फैंटास्टिक लगता है। तो हमारा ये फर्स्ट मोहितो रेडी है। सो हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी है वो है लेमनेड की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है एंड ये बहुत ही फ्लेवरफुल एंड बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। तो मुझे अपने लेमनेड में काफ़ी सारा बर्फ पसंद है। उसके बाद में मैं इसमें ये तुलसी के पत्ते डाल रही हूँ, यानी कि होली बेसिल डाल रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा एंड हमारा जो लेमनेड है वो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप पुदीने के पत्ते भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में मैं ये जो सिरप हमने बनाया था वो इसमें मैं डालूँगी। तो ये अभी इतना सुंदर लग रहा है, एक बहुत ही अमेजिंग सा कलर है। तो फ्रेंड्स, अब होगा मैजिक। जैसे मैं ये इसमें ये पोर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरे लेमनेड का कलर चेंज हो रहा है। तो वो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इसमें नींबू पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल नींबू पानी है, बस नींबू पानी एंड थोड़ा सा शुगर है। तो शुगर ऑप्शनल है, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो शुगर को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद में मैं इसमें कुछ लेमन के वेजेस डाल रही हूँ ताकि मेरा ये जो लेमनेड है वो दिखने में भी सुंदर लगे। तो मैं वापस से इसमें तुलसी के ये जो लीव्स है वो इसमें इंसर्ट कर दूंगी। तो ये मेरा लेमनेड भी बिल्कुल रेडी हो गया है एंड ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है एंड ये आपको ये बिल्कुल ज़रूर ट्राई करना ही चाहिए।
सो हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी है बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपके पास में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं है एंड आपको चीज़ें बिल्कुल सिंपल रखनी है तो बस आप फ्लावर्स को बॉईल कीजिए। तो आप जितने फ्लावर्स लेंगे कलर आपको उतना ही ब्राइट होएगा। तो मैंने ये बहुत थोड़े से फ्लावर्स लिए थे, इस वजह से मेरी इस टी का कलर बहुत लाइट है। एंड इसमें आप नींबू के कुछ बूंदे डालिए एंड देखिए इसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा एंड आप इस टी को इन्जॉय कीजिए। ये बहुत ही रिलैक्सिंग है एंड बहुत ही अमेजिंग है। मैंने अभी जस्ट पिया एंड मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो आपको ये बिल्कुल ट्राई करना ही चाहिए। एंड अगर आपके पास में ये अपराजिता के फ्लावर्स नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूँगी, आप इसे अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।